सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने राहत की सांस ली है। कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने परिवार के साथ कुछ समय दिया। इसी तरह बीजेपी प्रत्याशी जोराराम कुमावत ने भी चुनाव संपन्न होने के बाद परिवार के साथ बताया है। आपको बता दें कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र इस बार बीजेपी कांग्रेस का कड़ा मुकाबला है। बीजेपी के विधायक जोराराम कुमावत और कार्यकर्ता जीत का दावा कर रहे हैं। अब जीत का पिटारा तो 3 दिसंबर को ही खुलेगा। इस बार सुमेरपुर विधानसभा में दोनों स्थानीय उम्मीदवार होने के कारण दोनों उम्मीदवारों को काफी मेहनत करनी पड़ी है। मैं 20 दिन पूरे भागीदारी चुनाव में, वैसे तो कंटिन्यू मैं तो लगातार फील्ड में ही हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, परिवार के साथ तो कौन आनंद महसूस नहीं करे। लेकिन मेरे को तो ये दिल में भावना रहती है कि सभी विधानसभा क्षेत्रवासी जो मेरे ऊपर अपार प्रेम है, वो ही मेरा परिवार है और उनको मानकर ही मैं तो संतुष्ट हूँ। 61% से ज़्यादा की वोटिंग हुई, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? 61% से ज़्यादा होना कोई गलत बात नहीं है, अच्छा हुआ, लोगों में उत्साह है, जागरूक है। और जो आपके वोटर था, जिसमें विशेष करके हमारे कांग्रेसी वोटर, उनमें उत्साह दिखा है, उन्होंने ज़्यादा वोटिंग कराई, अच्छी बात है। मेरे वार्ड में ये अभी मतदान किया है और जनता के लिए संदेश ये है कि हर व्यक्ति अपने मतदान का उपयोग करे, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जब तक अपना मतदान का उपयोग नहीं करेंगे, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। और निश्चित रूप से अभी जैसे जनता में बहुत भारी उत्साह है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और जनता वोट देने को आतुर है। निश्चित रूप से लोकतंत्र के प्रति जो जनता का रुझान है, जनता का जो प्रेम है, निश्चित रूप से ये अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाता है।